वालेकुम क्लास आज की इस वीडियो में हम बुक वर्क करेंगे यूनिट नंबर फोर का जिसका नाम है व्हाट इज़ पिंक तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेज नंबर फोर्टी सिक्स से यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है मैच द कलर्स विद ऑब्जेक्ट्स कीपिंग इन माइंड द डिस्क्रिप्शन इन पोइम तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर्स दिए गए हैं जिनको हमने मैच करना है उन चीज़ों के साथ जिन चीज़ों के साथ पोइम में इनको मैच किया गया है तो पहला कलर है वॉयट जिसको क्लाउड्स के साथ मैच करेंगे इसी तरह से ग्रीन है जो कि ग्रास का कलर होता है पिंक रोज का कलर है और ऑरेंज को हम ऑरेंज के साथ मैच करेंगे तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी नेक्स्ट <coughs> है अप्रिशिएट द पोएम लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम तो आपने पोइम के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है एंड दैन लिसन टू दीज वर्ड्स एंड रॉइट एनी टू राम योर आउन फॉर ईच आपने इन वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनना है और फिर आपने ख़ुद से कोई से दो वर्ड्स मज़ीद इन में एड करना है जिनकी रामिंग स्कीम एक जैसी हो अगर हम पोइम को देखें तो वॉट इज़ पिंक अ रोज़ इज़ पिंक बाय द फाउंटेंस ब्रिंक तो यहाँ पर पिंक और ब्रिंक जो है इनकी रामिंग स्कीम एक जैसी है यानी इनकी साउंड एक जैसी है इनमें हम मज़ीद दो वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे इंक और सिंक और नेक्स्ट जो हमारे पास लाइंस हैं उनमें हमारे पास वर्ड्स हैं रेड बेड तो हम इनके साथ ऐड करेंगे शेड और हेड नेक्स्ट लाइंस में ब्लू थ्रू तो इनके साथ हम ऐड कर सकते हैं ग्लू फ्लू <गँगा> नेक्स्ट लाइन में है वाइट और लाइट तो हम ऐड करेंगे राइट और ब्राइट नेक्स्ट लाइंस में येलो मेलो और हम ऐड कर सकते हैं फेलो और हेलो नेक्स्ट लाइंस में ग्रीन बिटवीन तो हम वर्ड्स ऐड करेंगे कीन और सीन इसी तरह से वायल्ट और टॉयलेट के साथ हम पाइलेट और हाईलाइट ऐड कर सकते हैं तो ये आपकी चॉइस है आप इसमें मजीद भी अगर चाहें तो वर्ड्स ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स भी नेक्स्ट <coughs> है रीड द वर्ड्स इन सेट अलाउड एंड सर्कल द ऑड वर्ड पे अटेंशन टू द हाई लाइट साउंडस तो आपके सामने मैं वर्ड्स ये जो है रीड कर रहा हूँ उनको प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपने जस्ट इनको सुनना है और अगर कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आपने उसको सर्क कर लेना है तो पहला वर्ड है काइट देन की क्वीस स्पाइसी कोवर कॉल साइट मार्किट सीज क्लेवर क्रो ब्लैंकट केक सेल क्रेन मार्कर नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम स्किप कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं पार्ट ए की तरफ मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद इट्स टू मीनिंग्स इन कॉलम बी एंड सी इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं कॉलम ए में दिए गए और उनके दो डिफरेंट मीनिंग्स कॉलम बी और सी में हैं जिनके साथ हमने इनको मैच करना है तो पहला वर्ड है काय जिसको हम मैच करेंगे अ पेपर दैट यू फ्लाई और मूव को हम मैच करेंगे प्रोवोक ए स्ट्रोंग फीलिंग स्टार्ट को हम मैच करेंगे शॉक के साथ रोज़ को हम मैच करेंगे गो अप और इसी तरह से राइट right को हम मैच करेंगे ऑपोजिट टू लेफ्ट और क्लोज को हम मैच करेंगे शर्ट के साथ अब हम इनकी मैचिंग करेंगे कॉलम सी के साथ तो काट को हम मैच करेंगे अ बर्ड के साथ और मूव को हम मैच करेंगे चेंज प्लेस स्टार्ट को हम मैच करेंगे बिगिन के साथ रोज़ को हम मैच करेंगे अ फ्लावर के साथ रॉयट right को हम मैच करेंगे करेक्ट के साथ और क्लोज जो है इसको हम मैच कर देंगे नियर के साथ आगे है चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो हमने इन वर्ड्स में से जो सूटेबल वर्ड्स हैं उनके साथ इन ब्लैंक्स को फिल करना है I got up with a dash when Salman suddenly entered the room. I got up with a start when Salman suddenly entered the room. Film was very sad, everyone was dashed to tears. The film was very sad, everyone was moved to tears. Bilal said from his chair, when Bilal dashed from his chair, when he saw the principal bilal rose from his chair when he saw the principal mona picked up the stick with her dash hand mona picked up the stick with her right hand dash the door said mum it is very cold close the door said mum it is very cold next move karte hai, page number 48 pe. you have learned that a group of words that makes complete sense is called a sentence group of words that makes partial sense are called phrases तो यहाँ पर हमारे पास sentence और phrases की definitions आ गई हैं sentence क्या होता है ऐसा group words का जो एक complete sense देता है ठीक है और phrase हम ऐसे group of words को कहते हैं जो कि partial sense देते हैं यानी अधूरी sense देते हैं जिनसे हमें complete बात समझ नहीं आती आइडेंटिफाई दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसिज और फ्रेज तो हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स या लाइन्स दी गई हैं तो हमने बताना है ये फ्रेज़ हैं या सेंटेंसिज हैं फर्स्ट है द ब्राउन हैड तो ये एक फ्रेज है जिसमें हमें एक कम्प्लीट सेंस नहीं मिल रही यू एट फिश तुमने मछली खाई तो ये एक कम्प्लीट फिक्रा है जिसकी वजह से हम इसको सेंटेंस कहेंगे इन दिन ये फ्रेज है ऑन द बोर्ड ये भी फ्रेज है द बेबी क्राइट ये एक सेंटेंस है रैन क्विकली ये एक फ्रेज है यू हैव लर्नड दट एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन सेंटेंस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट तो यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है वाट इज प्रेडिकेट आपको पता है कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है यानी एक परफॉर्मर होता है एक वर्कर होता है एक डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और उस सब्जेक्ट के अलावा उस फकरे में जो कुछ भी आ रहा होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं फॉर एग्जांपल हमें नीचे दिया गया है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है द टाइगर ठीक है एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वर्कर परफॉर्मर और प्रेडिकेट क्या है जो बाकी उसके अलावा जो कुछ भी फिक्रे में आ रहा है यानी अटैक द वुड कटर इसी तरह से द लीव्स A rustle in the wind. Complete these sentences by using appropriate predicates. To these sentences ko appropriate predicates fill karna complete hai. The trees are green. Fly birds fly in the air. I like mangoes. It is my pencil. Anas eats apple. All the students were present. तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स दिए गए थे और हमने सूटेबल प्रेडिकेट्स के साथ इनको कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट पार्ट सी है देर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ दिज सेंटेंसेस तो हमारे पास इंग्लिश में फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कौन कौन से फर्स्ट है डेक्ल्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है ठीक है जैसा कि द लिटल बर्ड वॉज अफ्रेड टू फ्लाई interrogative सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है वाई डोंट यू ट्राई एंड मूव फास्टर इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है कोई रिक्वेस्ट की जाती है या फिर कोई एडवाइस कोई नसीहत की जाती है इफ़ आई क्लाइम आई विल fall. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई फीलिंग्स शो करते हैं एक्सप्रेस करते हैं ओह oh, how हैप्पी आई एम और इसकी एक और भी निशानी है कि यहाँ पे हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है आइडेंटिफाई दी सेंटेंसेस एज डेक्लेटिव इंटेगेटिव इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो क्या है हाउ आट कितना अजीब है तो ये हम एक फीलिंग्स को शो कर रहे हैं और इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे नेक्स्ट है द सन वॉज सो हॉट दैट ही कुड स्केयर्सली ओपन हीज आइज तो ये एक डेकलरेटिव सेंटेंस है so, जस्ट एक सिंपल फ़िका है कैन यू लिफ्ट दीज बॉक्सिस क्वेश्चन है इसकी वजह से हम इसको इंटेगेटिव कहेंगे प्लीज रिमेन सीट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस तो ये एक ऑर्डर है ठीक है इस वजह से हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे इट रेन हैविली येस्टरडे ये जस्ट एक फिक्रा है तो हम इसको डेक्लेटिव सेंटेंस कहेंगे ओ नो आई हैव वेरी लिटल टाइम टू रीच द स्टेशन ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है आप सब लोगों ने इसी तरह से अपनी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और इसको रेडी करना है ठीक है अपना ख्याल रखें और आज का जो काम करवाया गया है इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी बुक पे कंप्लीट करें ठीक है बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज